हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू फ्रेश टॉपिक इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ईच अदर, मीन्स ये रिएक्शन आपस में कैसे करते हैं, आज यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। Everyone know what are the properties of metals. Everyone know what is the non-metals. But how they combine? It depend on the configuration of metals as well as the non-metals. यही मैंने लिखा है and the configuration we already studied in class 9. मैं इसको class 9th में भी मिला पढ़ा हुआ है। So, electronic configuration of some metals and non-metals. It will help. मैंने यहाँ पे एक स्लाइड भी बनाई है जो ये शो करती है कि कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन को, अगर उनके कंफिग्रेशन के लास्ट वाला शेल अगर फुल नहीं है, फुल होता है तो उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है और उन एलिमेंट्स को बोला जाता है नोबल गैसेस। इसीलिए मैंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, वी हैव लर्न्ड दैट नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल, हेंस दे आर केमिकली इनएक्टिव। ये कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट दोज हैव वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीट, डेफिनेटली दे विल रिएक्ट विद समवन। इस स्लाइड में बेटा मैंने कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शो किया है एंड दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिगरेशन। लाइक मेटल्स में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम रखे हैं। एटॉमिक नंबर्स आर 11, 12, 13, 19, 20 रेस्पेक्टिवली एंड देयर कॉन्फिगरेशन 2,8,1 फॉर सोडियम, मैग्नीशियम 2,8,2, एल्यूमिनियम 2,8,3, पोटेशियम 2,8,8,1, कैल्शियम 2,8,8,2। ये सब कॉन्फ़िगरेशन बेटा हमने क्लास 9th में भी पढ़ेगी। एंड हियर आर द सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स नाइट्रोजन 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। सेम ऑक्सीजन 8,2,6 इज अ कॉन्फिगरेशन, क्लोरीन 9 इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,7, फॉस्फोरस 15,2,8,5, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर एंड द कॉन्फिगरेशन 2,8,6, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर एंड द कॉन्फिगरेशन इज 2,8,7। तो इन्हीं मेटल्स और नॉन मेटल्स को बेटा हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में एंड चेक करेंगे हाउ दे विल रिएक्ट। सो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ऐसा क्या कारण है केमिकल बॉन्डिंग के बीच में। द एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। यही लाइन बेटा मैंने क्लास 9th में भी आपको बताई थी कि एटम्स आपस में तभी कंबाइन होते हैं जब वो इनर्ट गैस का, नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अचीव कर लें एंड बिकम मोर स्टेबल। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन थ्री वेज। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो तीन तरीके से मिल सकता है, आइदर बाई लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम। अगर कोई भी एक एटम लूज कर दे, सेकेंड बाई गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एटम गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स वन या एक से ज्यादा, एंड थर्ड रीजन इज बाई शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम। पर इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले बेटा आयंस को जानना जरूरी है। आयंस क्या होता है एंड आयंस भी ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। आयंस, आयंस फॉर्म व्हेन एटम्स गेन और लूज।
आयन तब क्रिएट होता है जब कोई भी एटम गेन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम स्टेबल. एन एटम इज स्टेबल व्हेन द वैलेंस शेल इज फुल. एटम तभी स्टेबल होता है जब उसका वैलेंस शेल बेटा फुल हो जाए. एंड दे आर ऑफ टू टाइप. ये बेटा दो टाइप के होते हैं आयन्स, ऑलरेडी भी स्टडीड. एक तो पॉजिटिव आयन होता है जिसको हम कैटाइन बोलते हैं, एक नेगेटिव आयन होता है जिसको हम एनाइन बोलते हैं. फॉर पॉजिटिव आयन के लिए एग्जाम्पल है सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल. अब देखो ये सोडियम है, सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है क्या 11. लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2.8.1, दैट इज अ कॉन्फिगरेशन. लास्ट में वन, लास्ट सेल में वन, एम शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा. देखो फर्स्ट शेल में टू, सेकेंड शेल में टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू यानी कि 8, और लास्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन को ये इजीली लूज कर देगा. इसके लिए मैंने रूल्स आपको बताए थे क्लास 11 9 में कि इफ दे हैव 1, 2 एंड 3 इन लास्ट सेल तो डेफिनेटली दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन. एंड इफ दे हैव इन लास्ट सेल 5, 6 और 7 दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन. एंड इफ दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल सो दे विल शेयर इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जब लूज करेगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो लिखा हुआ है 1+. द सिंबल प्लस इज रिटन एज सुपर स्क्रिप्ट, ऊपर की तरफ बेटा लिखा जाता है इंडिकेट द सोडियम हैज अ चार्ज ऑफ +1. सेम फॉर द क्लोरीन. क्लोरीन का बेटा कॉन्फिगरेशन होता है 2.8.7. फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड शेल में 8 है, और लास्ट सेल में बेटा 7 है. तो इसके लास्ट सेल में 7 है सो डेफिनेटली दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन. अब जब गेन किया इसने, ये मैंने एरो से शो किया है तो यहाँ पर आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और उसको शो करते हैं इस टाइप से कितने किन इलेक्ट्रॉन्स किए उसने 1, तो यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया. आयंस जो मैंने अभी बताया है 1 मिनट पहले, पॉजिटिव लास्ट वाली स्लाइड में, पॉजिटिव आयंस को कैटाइन्स बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को एनाइन बोलते हैं. कैटाइन व्हेन एन एटम गिव्स अप, छोड़ देता है 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव. सपोज दैट उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, लीव का लेफ्ट कर दिए, लूज कर दिए, सो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा. 3 इलेक्ट्रॉन उसने लेफ्ट किए, उस पर 3 नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा. 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे. सेम फॉर द एनायन के साथ है, अगर उसने 1 गेन किया इलेक्ट्रॉन तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा. 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 3 नेगेटिव चार्ज आएंगे. एनायन व्हेन एन एटम गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिव एंड इट इज कॉल्ड एनायन. ये देखो ऊपर लिखी हुई है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जियोन, दीज आर द नोबल गैसेस. और एक और नोबल गैस होती है बेटा रेडॉन, और इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था ही नेवर अराइव्स कर जीरो पे रन आउट. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जियोन, अ मेटल एटम दैट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन. हम अगर मेटल की डेफिनेशन इस टाइप से भी दें कि मेटल वो एक एटम है जो लूज करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कैटाइन बोलते हैं. एंड अ नॉन मेटल एटम दैट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसको हम एनायन बोलते हैं, विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट्स नियरेस्ट नोबल गैस. और जब ये कंबाइन होते हैं तो ये नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये 2 टाइप के होते हैं बेटा केमिकल बॉन्ड इन योर सिलेबस. वैसे तो बेटा 3 टाइप्स के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड. लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही टाइप के बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयोनिक बॉन्ड का
तभी बनते हैं जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनते हैं जब दोनों एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है. सो फर्स्ट वी टेक आयोनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड तभी बेटा क्रिएट होता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल होता है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर होता है. आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम कैन डोनेट, एक डोनेट करेगा और दूसरा बेटा क्या करेगा, अचीव करेगा, डोनेट करेगा. कोई भी एक एटम डोनेट करेगा जो मेटल होगा, और जो बेटा अचीव करेगा, जो गेन करेगा, वो होगा नॉन मेटल. जब कोई मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो आयन क्रिएट हो जाएगा, उस पर चार्जेस आ जाएंगे प्लस, जितने लूज करेगा उतने ही प्लस चार्ज आएंगे, और वो अचीव कर लेगा अपने नियरेस्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन. सेम फॉर द नॉन मेटल, जब वो गेन करेगा तो वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को अचीव कर लेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. ये देखो सोडियम जिसके कंफिगरेशन 2.8.1 है, लास्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने डॉट से शो किया है. इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया क्योंकि इसकी टेंडेंसी लूजिंग की होती है, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज. सेम फॉर द क्लोरीन 2.8.7, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7. इसने क्या किया, एक गेन कर लिया, तो उस पर कितना चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. इसने नियरेस्ट 2.8.8, नियरेस्ट कौन सी इनर्ट गैस है, आर्गन, इसकी इनर्ट गैस कौन सी है, नियॉन, इन दोनों ने अचीव कर लिए. जब ये आपस में कंबाइन हुए, या ऐसे बोलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया क्योंकि इसको लूज करना था और इसको गेन करना था, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गया, या सिंपली NaCl हो गया. इसका भी कॉन्फिगरेशन 2.8, इसका भी कॉन्फिगरेशन 2.8.8, तो दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुल हो गए, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा बन गया. सो दैट इज अ आयोनिक बॉन्डिंग. ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी बेटा शो किया है, ये इसका सोडियम का डायग्राम है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, इसके लास्ट में 7 है, ये यहाँ से ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पर 2.8 हो गया, 2.8 हो गया, ये 2.8.8 हो गया, NaCl का कॉन्फ़िगरेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. सेम फॉर द KCl, पोटेशियम क्लोराइड का भी है, पोटेशियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8.1 होता है, क्लोरीन अभी हमने देखा 2.8.7 होता है, इसके लास्ट में 1 है, तो ये भी बेटा ट्रांसफर करेगा यहाँ पर, लूज करेगा, तो एक ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ जाएगा, या फिर सिंपली KCl. नेक्स्ट फॉर्मेशन एक देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड का देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2. अब देखो मैग्नीशियम का बेटा कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.8.2, यानी कि लास्ट में कितने हैं, 2 है, तो ये लूज करेगा डेफिनेटली, कितने लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो मैंने यहाँ लिखा है 2e नेगेटिव. जब कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, 2, तो पॉजिटिव चार्ज कितने आ जाएंगे, 2. कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, 2.8, तो अचीव कर लिया इसने नियरेस्ट इनर्ट गैस, और वो वाली इनर्ट गैस का नाम क्या है, नियॉन. एक क्वेरी यहाँ पर भी आ सकती है बोर्ड में कि नियरेस्ट कौन गैस कौन सी है Mg+2 की, तो आपका आंसर होगा नियॉन, इनर्ट गैस है. ही नेवर अराइव्स कर जीरो पर रन आउट, ही मींस हीलियम, ही नेवर, हीलियम नियॉन, सेकेंड आगे नियॉन, Arrives का आर्गन, कर क्रिप्टन, जीरो जियोन, एक्स ई रन आउट, आर एन रेडॉन. अब
इसमें देखो सी एल के बेटा टू एटम्स ले लिए, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7 है। जब टू एटम्स है, एक एटम गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तो टू एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, तो उस पर देखो यहाँ पे लिखा हुआ ट्वाइस और सी एल नेगेटिव 2.8.8। या हम इसको डायग्राम से भी देखो समझते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से एक इस सी एल के पास गया, एक इस सी एल के पास गया, Mg पर +2, Cl पर एक, और एक Cl का ये एटम है और बना दिया इसने MgCl2। सेम फॉर द कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा। Ca का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.8.2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। Cl का सेम हमने किया जैसे भी MgCl2 का किया था, और बना दिया इसने CaCl2। नेक्स्ट बेटा इसमें थर्ड एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेटा कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर क्या है, अभी हमने देखा 12, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2.8.2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दे विल यूज, आंसर इज 2, सो बना दिया Mg+2। कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका 2.8। ऑक्सीजन क्या होता है इसका 2.6, ये एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन 2.6, तो हाउ इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेन और लूज, डेफिनेटली गेन, तो कितने गेन, हाउ मेनी गेन्स 2, तो यहाँ पर कितना चार्ज आएगा -2। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर, तो Mg+2 और ऑक्सीजन पर आ गया चार्ज -2 का। जब इसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो अब MgO, हमने बताया 9th में आपने देखा जितना चार्ज होता है वही उसकी वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ रही है 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी आ रही है 2, आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो फॉर्मूला क्या जनरेट होगा MgO। आयोनिक, तो ये सारे जो हमने तीन चार एग्जांपल देखे ये बेटा आयोनिक कंपाउंड्स के थे। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर व्हाट द कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। ये मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये आयोनिक कंपाउंड्स 12 आयोनिक कंपाउंड्स हैं, इनको आपको शो करना है हाउ दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ट्रांसफर कैसे होगा, इनका आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करना है। नेक्स्ट वन इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो दो एटम्स के बीच में, तब जहां पर जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन बोथ द रिएक्टिंग एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। जो रिएक्टेंट्स एटम्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड वहीं पर प्रक्रिया होता है जहां पर रिएक्टेंट एटम्स को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो आपस में शेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पहले हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सो देयर आर थ्री टाइप्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मीन जैसे नाम हो रहा है सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग हो रही है सो दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। डेफिनेशन में भी है, अ सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का
शेयरिंग हो रही है, की शेयरिंग हो रही है, सो दैट दैट बॉन्ड इज नोन एज सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स वन पेयर मींस टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग. और जब भी बेटा सिंगल बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश शॉर्ट सिंगल लाइन, जैसे एच और एच के बीच में है तो यहाँ पर ये है सिंगल बॉन्ड. फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे क्लोरीन का है, दो एटम्स है क्लोरीन का. एक बात ध्यान रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूँ, नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच की रिएक्शन, नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच की रिएक्शन. क्लोरीन इसके लास्ट में 2.8.7 है, इसके लास्ट में 2.8.7 है, सो 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, 7 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल. अब इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है सीएल को, 1, इसको भी 1. अगर ये शेयर कर जाए मींस अगर ये शेयर कर गए कि इसका इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर हो गया तो दोनों का काम बन गया. तो यही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में है, 2 + 2 + 2 = 6, इसके 2 + 2 + 6, अब दो ये शेयर हो गए तो ये इसके लिए भी काम का है और ये इसके लिए भी काम का है. तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2.8.8 हो गया, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2.8 हो गया. तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया Cl-Cl, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो गई, और उस इनर्ट गैस का नाम है आर्गन. ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, Cl जिसके लास्ट में 7 है, Cl जिसके लास्ट में 7 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये शेयर कर लिया. देखो यहाँ पर ये शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम से मैं शुरू किया, ये शेयरिंग हो गई. इससे ये अब एक बॉन्ड बन गया और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इससे हम बोलेंगे इट इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट वन इज अ हाइड्रोजन. सेम फॉर द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, जब ये आपस में शेयर करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर हो गया और एक सिंगल बॉन्ड प्रिपेयर हो गया. यहाँ पर ये वेन डायग्राम से एक इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए, टू इलेक्ट्रॉन, सो ये नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो गई, और उस इनर्ट गैस का नाम है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2. नेक्स्ट वन इज HCl, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन अब देखिए, इसमें H के लास्ट में 1, Cl के लास्ट में 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सो यहां पर शेयरिंग हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, इसका 2 बन गया और इसका 2.8.8 हो गया, ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसका, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एक बॉन्ड एक लाइन आ गई HCl, ये सिंगल बॉन्ड बोली जाएगी. अगर इसको डायग्राम से एटॉमिक स्ट्रक्चर से इनके रिप्रेजेंट करें, सो H जिसके लास्ट में 1, इसके लास्ट में 7 है, सो यहाँ पर शेयरिंग हो गई दो इलेक्ट्रॉन्स की और ये HCl कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वन ये बहुत पूछा जाता है बेटा, फॉर्मेशन बोर्ड एग्जाम में भी आता है, मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा. सो कार्बन, कार्बन के लास्ट में बेटा कितना, इसका नंबर क्या होता है, कार्बन 6, एटॉमिक नंबर इज अ 6, सो कॉन्फ़िगरेशन 2.4, यानी कि लास्ट में कितना होगा 4, 1, 2, 3, 4. अब एच के 4 है, सो 4 लगा दिए मैंने एटम्स, और एच के लास्ट में 1 होता है. अब देखो सी के चारों ओर, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कि लास्ट में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 4, 4, यानी कि H इसके हर तरफ आ जाएगा, H इसके यहाँ भी आ गया, H इसका यहाँ भी आ गया, H इसका यहाँ भी आ गया, H इसका यहाँ भी आ गया, और H के खुद अपने पास एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गई, सो एक एक बॉन्ड चारों तरफ आ गया. नेक्स्ट वन इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे CH4 का देखा था बिल्कुल कार्बन टेट्राक्लोराइड का बिल्कुल सेम. आप देखिए स्ट्रक्चर देखिए इसकी, Cl चारों तरफ है कार्बन के, यानी कि C के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट सेल में, उसको 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, और Cl में
लास्ट में सेवन होते हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन से जरूरत है। सीएल के यहाँ पर एटम्स फोर है, तो ये चारों तरफ कार्बन के चारों तरफ लग जाएंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड बना देंगे, शेयरिंग कर देंगे। H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, इसमें देखते हैं H2O यानी कि H के कितने एटम्स हैं, टू, तो टू एटम्स ऑफ H, जिसके लास्ट में कितना है वन, O का होता है एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2.6, तो 2 प्लस 2 प्लस, ये लिखा है देखो 2 प्लस 2 प्लस 1 5 और 1 6, अगर ये आपस में शेयर कर लें, एक यहां पर शेयर कर लिया एक यहां पर शेयर कर लिया तो बन गया, तो टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एक ये पेयर हो गया एक ये पेयर हो गया, तो अनशेयर्ड पेयर है, ये शेयरिंग हो जाएगी, ये शेयर पेयर हो जाएगी। अमोनिया NH3, आप तो बेटा समझ में आ गया होगा, अमोनिया का खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट वन इज अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एज द नेम डबल, यहां पर कितने की शेयरिंग हुई, यहां पर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस टोटल फोर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और इसको शो किया जाएगा बेटा डबल लाइन से, सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया था, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल O2, ऑक्सीजन कैसी गैस है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन कैसी है नॉन मेटल, क्लोरीन कैसी है नॉन मेटल, ठीक है। सो ऑक्सीजन जिसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, इसके लास्ट में कितने हैं 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 2, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 2, तो यहाँ पर देखो शेयर हो गए, कितने शेयर हो रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 पेयर, तो 2 लाइन लगा डबल बॉन्ड बन गया। सेम फॉर द CO2, सी के लास्ट में कितने हैं 2 प्लस 2 4, इसके लास्ट में कितने हैं 6, 2 एटम्स हैं, तो एक ओ इधर आएगा एक ओ इधर आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड इधर आएगा एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। C2H4 एथीन, एथीन में क्या होगा, एथीन में क्या होगा, एथीन का बेटा खुद से बनाइएगा, एथीन का शायद स्लाइड बेटा यहां से डिलीट हो गई है, ध्यान नहीं रहा मुझे, खुद से बनाइएगा। एथीन में सी के 2 एटम्स हैं, एच के 4 एटम्स हैं, आप अपनी तरफ से ही बनाइएगा तो उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, सी के 2 एटम्स एच के 4 एटम्स, तो एक सी के तरफ 3 और एक सी के तरफ 2 एटम्स आ जाएंगे, सी के 2, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा, और फर्स्ट वाले सी के चारों तरफ कितने एटम्स होंगे, 2 एक सी के तरफ और 2 एक सी के तरफ, तो ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड में 3 शेयर्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, इसको ट्रिपल ऐसे शो किया जाता है जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है तो लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 3 2 5 3 2 5, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, देखो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, यहाँ पे 3 लाइंस है। C2H2, ये देखो 2 सी के हैं 2 एच के हैं, एक सी का इधर चला गया एक सी का इधर चला गया, यहाँ पर देखो कितने बॉन्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स में 6 आ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं बेटा, सब कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर गिवन है, ये सब आपको अपने होमवर्क में करने हैं, ये स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करनी है। नाउ द आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बेटा, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजली सॉलिड्स, एक बात बता दूं, ये बोर्ड में क्वेरी आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, सो ये वाली स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड बेटा कोवेलेंट की है, इनकी कंपैरिजन आपको लिखना है अपनी नोटबुक पर। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजली सॉलिड, जनरली ये सॉलिड्स होते हैं, दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस, ये जनरली ब्रिटल होते हैं और पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर जनरली सॉलेबल इन वाटर एंड इनसॉलेबल
in solvents such as kerosene and petrol. Covalent bond, ionic compounds are, sorry ये first line बेटा गलत हो गई है, यहाँ पर ionic नहीं आएगा, यहाँ पर covalent आएगा. Covalent compounds are liquid and gases होती हैं, ये एक line गलत हो गई है. Ionic compounds नहीं आएगा यहाँ पर, again I repeat, ionic compounds नहीं आएगा. यहाँ पर covalent compounds are usually liquids and gases. They have usually low melting points and boiling point. They do not conduct electricity. They are insoluble in water and they are soluble in inorganic solvent. तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल एक न्यू स्लाइड के साथ ही कहेंगे. Till then, bye bye.